हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। कांग्रेस के इस वक्त ऐसे हालात हो गए हैं कि ना ही निगला जा रहा है ना उगला बन रहा है। हालाकमान की नजरें अध्यक्ष पद को भरने पर हैं, लेकिन दूसरी तरफ से इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। कांग्रेस के कई खास और वफादारों का नाम तो सामने आ रहा है, लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि आखिर कब अध्यक्ष पद की नियुक्ति की जाएगी। एक तरफ कांग्रेस में इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है, तो दूसरी ओर कांग्रेस की नजरें अभी भी नए अध्यक्ष पद की तलाश में हैं। राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद से ही कांग्रेस में भूचाल सा मचा हुआ है। लोकसभा में हार के बाद राहुल गांधी ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन अब कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती नजर आ रही है। जल्द से जल्द कांग्रेस का नया उत्तराधिकारी ढूंढने की पार्टी को जल्दबाजी है, क्योंकि अब से कुछ समय बाद कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में पार्टी आलाकमान के सामने नए अध्यक्ष के नाम सामने आ रहे हैं। देखा जाए तो इनमें से कई आलाकमान के बेहद करीबी माने जा रहे हैं, या तो गांधी परिवार के वफादार या फिर उस इलाके के बड़े नेता हैं जहां आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियां जोरों पर हैं। तो आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी के लिए किसके नाम की चर्चाएं तेज हैं। अशोक गहलोत, सुशील कुमार शिंदे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मोतीलाल वोरा। यूं तो कांग्रेस में अध्यक्ष पद की खोज जोरों पर है, लेकिन जो नाम अध्यक्ष पद के लिए चर्चाओं में है उनमें से कोई भी गांधी परिवार से नहीं है। भले ही सब गांधी परिवार के खास जरूर हैं, लेकिन सवाल तो ये है कि जिन नामों पर चर्चाएं चल रही हैं, अगर उनमें से कोई अध्यक्ष बनता है तो गांधी परिवार का अंत हो जाएगा। और इस वक्त गांधी परिवार के करीबियों की नजर कहीं ना कहीं इस बात पर भी जरूर होगी कि इस पद को किसी ऐसे के हाथों में सौंपा जाए जो जिम्मेदारी के साथ साथ गांधी परिवार को आगे बढ़ाए। अब आइए ग्राफिक्स के जरिए जरा नजर डालते हैं उन लोगों के राजनीतिक सफर पर जिनका नाम अध्यक्ष पद के लिए चर्चाओं में है। गहलोत होंगे अगले कांग्रेस अध्यक्ष। 1980 में पहली बार जोधपुर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। 1998 में पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस की सरकार में तीन बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। शिंदे को मिलेगी अध्यक्ष पद की कमान। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं सुशील कुमार शिंदे। शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले दलित नेता हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार भी संभाल चुके हैं। मनमोहन सिंह सरकार में गृह मंत्री रह चुके हैं। क्या कांग्रेस खेलेगी सिंधिया पर दाव? मनमोहन सरकार में मंत्री रह चुके हैं सिंधिया। 2001 में कांग्रेस का दामन थामा था। 2002 में गुना सीट से पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा। 2004 में दोबारा चुनाव होने पर पहली बार सांसद बने। मोतीलाल वोरा बनेंगे कांग्रेस के नए बोस। कांग्रेस पार्टी के सबसे ताकतवर चेहरों में से एक हैं। मोतीलाल वोरा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं। वोरा 1985 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 1993 से 1996 तक यूपी के राज्यपाल भी रहे हैं वोरा। यूं तो राहुल गांधी के इस्तीफे तक पार्टी में सब कुछ शांत चल रहा था, लेकिन जैसे ही पार्टी अध्यक्ष ने इस्तीफा क्या दिया, इसके बाद तो मानो नैतिकता की सतह पर दिखने लगी और एकाएक पार्टी में इस्तीफों का दौर भी शुरू हो गया। रविवार को पार्टी के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन क्या नए पद के लिए सिंधिया ने इस्तीफा दिया है, इस सवाल पर भी चर्चाएं जोरों पर हैं। देखिए जिंदगी में, उत्तरदायित्व के साथ एक और शब्द जोड़ा जाता है और उत्तरदायित्व के साथ जो शब्द जोड़ा जाता है वो है जवाबदेही। मैंने अपना इस्तीफा आज नहीं दिया। मैंने अपना इस्तीफा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी को करीब 8-10 दिन पहले दिया था।
आज खबरों में प्रकाशित हुआ है, तो खबरों में प्रकाशित होने के बावजूद मैंने सोचा कि मैं स्वतः ही एक अपनी तरफ से एक अनाउंसमेंट कर, जहां प्रदर्शन अच्छा ना हुआ हो, मैं अपने अंतरात्मा से मानता हूं कि इसकी जिम्मेदारी मेरी भी है, और इसलिए जो मेरे मन में जो भावना है उसके आधार पर मैंने कदम उठाया। लेकिन अब बड़ा सवाल तो ये है कि अगर ऐसे ही इस्तीफों का दौर जारी रहा तो फिर कांग्रेस को कौन संभालेगा? फिर चाहे अध्यक्ष पद की कुर्सी के लिए कोई मिल जाता है तो बाकी जगह जहां से इस्तीफे दिए जा रहे हैं उन पदों पर कांग्रेस को कौन मजबूती देगा? गांधी परिवार का अंत होने के सवाल पुरजोर तरीके से उठ रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी के खत्म होने का। कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति कब तक? कांग्रेस में सियासी हलचल बहुत तेज है और अब कांग्रेस की कमान किस नेता के हाथ में जाती है इस पर चर्चाएं बहुत हैं और सब कुछ इस पर निर्भर करेगा, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक इस्तीफे कांग्रेस में दिए जा रहे हैं कांग्रेस के लिए आने वाले दिनों में और बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। और इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव नजदीक है और बेशक लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हार मिली हो, लेकिन इस वक्त पार्टी में हालात ऐसे हैं कि शायद ही कांग्रेस के पास इन नेताओं की इतनी तादाद हो जो आराम से विधानसभा चुनाव लड़ पाए। कांग्रेस में मची इस खला को शांत करना बहुत जरूरी है। अब ऐसे में आलाकमान कितना जल्द फैसला लेता है इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, और इतना ही नहीं, कितनी जल्द इस्तीफों को, इस छड़ी को कांग्रेस रोक पाएगी ये वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।